देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग किसी भी समय तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम आपको बता दें, लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के अधिसूचना वो जारी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अलग अलग जब देश के हिस्सों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे तो वो CAA को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कई देश की कई विपक्षी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो CAA के को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार मोदी सरकार ये कहती आई है कि CAA जो है वो नागरिकता देने का कानून है, किसी का भी नागरिकता छीनने का कानून नहीं। हम आपको बता दें कि देश के संसद में इस कानून को पारित हुए भी 5 साल का समय जो है वो हो चुका। अब हम आपको बताते हैं कि CAA है क्या। 3 पॉइंट में हम आपको समझाएंगे कि CAA है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको मिलेगी नागरिकता। हम आपको बता दें कि इस कानून के अधिसूचना जारी होने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 31 दिसंबर 2014 से पहले से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक थे, जो वो हिंदुस्तान में आके रह रहे थे, जो उसमें 6 समुदाय की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी, यानी कि गैर मुस्लिम 6 समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता मिलने का रास्ता इस कानून के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद पास हो चुका है। यानी कि गैर मुस्लिम 6 समुदाय के जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में है, अब वो भारत की नागरिकता ले सकेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के सामने आता है कि किस पर होगा इस कानून का असर। लगातार ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय नागरिकों पर इसका क्या असर होगा। तो हम आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों का CAA से कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है, CAA या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि अब CAA के जरिए जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में 3 देशों से आए 6 समुदाय के लोग रह रहे थे, वो नागरिकता पाने के लिए आवेदन कैसे करें। तो हम आपको बता दें, आवेदन जो है वो ऑनलाइन होगा। आवेदक को बताना होगा कि वह भारत में कब आए हैं। पासपोर्ट या अन्य यात्रा के दस्तावेज न होने पर भी वो आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है, बाकी विदेशी मुस्लिमों के लिए यह अवधि 11 वर्ष की रखी गई है। तो लगातार CAA को लेकर लंबे समय से ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा था। लगातार विपक्षी पार्टी के नेता जो है CAA और NRC के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे और ये कहा भी जा रहा था कि अब नोटिफिकेशन कब जारी होगा। लेकिन अमित शाह जिस तरीके से लगातार इस बात को साफ कर चुके थे, कोई कुछ भी कहता रहे CAA जो है उसकी अधिसूचना जारी होगी, तो अब 11 मार्च से CAA की अधिसूचना जारी हो गई है और 11 मार्च से पूरे देश में CAA कानून जो है वो लागू हो चुका है। इसमें आवेदन करने के लिए बकायदे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक वेब पोर्टल को भी बनाया गया है। उसी पोर्टल के जरिए जो शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी हैं, वो इस पोर्टल के जरिए अपना आवेदन कर सकेंगे और भारत की नागरिकता पा सकेंगे।